वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट विशाल सर। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अगर मैं सबको अच्छे से ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, फटाफट थम सब करके बताइए, फिर हम हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। दिस इज एन स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी, क्वालिफाइड गेट 4 टाइम्स एंड हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स। और मैं आप सभी लोगों को थर्मोडाइनेमिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, आरएसी, हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ाता हूँ हमारी इस अन अकेडमी एसएससी जेई यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप सभी छात्र मुझसे जुड़ के अन अकेडमी के साथ एसएससी जेई की अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन एग्जामिनेशन के एएन और जेएन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डीएमआरसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, देन यू कैन यूज माई रेफरल कोड विशाल 11 इन ऑर्डर टू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट बेटा। चलिए बेटा हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। दीज आर द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। देयर विल बी डेली लाइव क्लासेस ऑन द फिक्स टाइम, क्रैश कोर्स इज अवेलेबल देयर ताकि आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकें, वीकली टेस्ट होते हैं ताकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है आप उसका एनालिसिस कर पाएं कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। वीकली टेस्ट का सबसे बड़ा यही फायदा है कि आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलती है और हमें हमारी मिस्टेक्स पर ही वर्कआउट करना होता है। फोर्थ क्लास इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू द डाउट क्लियरिंग सेशन। इसी के साथ जो आपका कंटेंट होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होता है ताकि लैंग्वेज का बिल्कुल भी बैरियर ना हो, लैंग्वेज के कारण कोई भी डिस्क्रिमिनेट ना हो, लैंग्वेज के कारण कोई भी नॉलेज प्राप्त करने से ना रहे। रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी होता है। अगर जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, एसएससी एग्जाम में जाके गोल को चूज करना है और इस गोल को चूज करने के बाद आपको बेटा गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 1 साल या फिर 2 साल का प्लान चूज करना है। 1 साल की फीस है बेटा 6,000 रुपये, 2 साल की फीस है आपकी 7,200 रुपये। जब आप रेफरल कोड यूज में लोगे विशाल 11, आप विशाल सेना में सम्मिलित हो जाएंगे और आपको मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और आपकी जो 6,000 रुपये वाली जो फीस होगी वो 5,400 की हो जाएगी और आपकी जो यहाँ देख सकते हैं 12 मंथ वाली जो फीस होगी वो 6,480 रुपये में चेंज हो जाएगी। तो 1,000 रुपये फीस का अंतर होगा जिसमें आप 1 साल एक्स्ट्रा का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। और यू हैव टू ज्वाइन द विशाल सेना नाउ एंड फील द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा बेटा, हर स्टूडेंट का एक ही नारा है, वो है विशाल 11, विशाल 11। ठीक है बेटा, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा बेटा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपको जो भी क्लासेस की जो पीडीएफ वगैरह चाहिए वो आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए, टेलीग्राम चैनल का नाम भी बेटा विशाल 11 है। और इसी के साथ मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आया हूँ कि आपकी जो एसएससी गोल्ड की जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो इंक्रीज हो सकती है अब कभी भी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, यू कैन यूज़ द रेफरल कोड विशाल 11 और आपको करंट फीस में जो कि विदाउट इंक्रीज हुई हुई है उसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो फीस आपकी 10,000-12,000 तक जा सकती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको अभी भी 6,000-5,000 में सब्सक्रिप्शन चाहिए 1 साल में काफ़ी किफ़ायती दर में, तो आप अभी भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए बेटा हमारे सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के हमारे सेशन में हम 23 जनवरी 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उस पेपर को आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का ये जो आपका सेशन होने वाला है, ये सेशन थोड़ा सा तेज होने वाला है क्योंकि इस सेशन में मैं आपको एक फिक्स्ड टाइम दूंगा और उस टाइम के अंदर ही आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपने रीड कर ही लिया होगा और अब हम बात करते हैं बेटा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे मैंने आपको काफ़ी टाइम दे ही दिया था, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ मैं आपको। चलिए, चूज द ऑप्शन विच डजंट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिंपल मशीन। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सिंपल मशीन से बिलोंग नहीं करता है? तो हमारे पास है ऑप्शन स्प्रिंग, स्क्रू, वेज एंड पुली। तो बेटा ये जो आपका स्प्रिंग ऑप्शन है, ये जो स्प्रिंग है ये आपकी सिंपल मशीन से बिलोंग नहीं करता है। शैल आई यूज द ब्लैक वन, ब्लैक वन यूज कर लूँ? ठीक है, आज किसी के नाम नहीं लूंगा बेटा, मैं किसी के नाम नहीं ले पाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, लेकिन आपके मन की आवाज़ मेरे यहाँ मन तक बहुत पहुँच जाएगी। ठीक है, हमारा मन टू मन यानी दिल से दिल का कनेक्शन है, तो स्प्रिंग विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आई विल गिव यू द 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स दूंगा मैं आपको। चलिए 30 सेकेंड स्टार्ट होते बेटा आपके अब।
व्हाट आर द नंबर ऑफ बाइनरी एंड टर्नरी लिंक्स इन द फॉलोइंग काइनेमेटिक चेन? इस फॉलोइंग काइनेमेटिक चेन में आपके कितने बाइनरी और टर्नरी लिंक है? तो बाइनरी लिंक वो लिंक होता है जो दो जगह से जुड़ा होता है, टर्नरी लिंक वो लिंक होता है जो आपके तीन जगह से जुड़ा होता है। तो टर्नरी तो आपको यहाँ पर सीधा नजर आ ही रहा है कि ये है एक टर्नरी लिंक, ये दूसरा भी आपका टर्नरी लिंक है जिसके तीन जगह से लिंक्स जुड़ रखे हैं, तो टू टर्नरी लिंक, यहाँ पर टू टर्नरी लिंक। और अगर हम बाइनरी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा वन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टू, ये हो जाएगा हमारा थ्री, और ये हमारा फिक्स लिंक भी दो जगह से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये चार हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए शैल वी मूव ऑन। ओके नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री। अब क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गिवन फिगर। गिवन फिगर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ठीक है, तो आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, फटाफट हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 30 सेकेंड्स है, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ। ये हमारा वन लिंक हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये जो स्लाइडर है ये स्लाइडर फाइव हो गया। तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं यहाँ पर? सर नंबर ऑफ लिंक्स है हमारे यहाँ पर फाइव। चलिए बाइनरी जॉइंट देखते हैं, ठीक है, एक बाइनरी जॉइंट हो गया ये, दो है ना, तीसरा बाइनरी जॉइंट ये, और इस स्लाइडर और इसके बीच में चार, और स्लाइडर और इसके बीच में पांच। तो बाइनरी जॉइंट भी कितने हैं सर? बाइनरी जॉइंट भी है हमारे पास फाइव है ना, बाइनरी जॉइंट भी है हमारे पास फाइव है, तो कोई हायर पेयर भी नहीं है यहाँ। तो देखिए थ्री इंटू फाइव माइनस वन, ओके, माइनस टू जे, जे कितना है फाइव है, तो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व माइनस टू इंटू फाइव टेन, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल्स टू टू, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर अब आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है आपको। चलिए 30 सेकेंड्स का इसमें भी मैं आपको टाइम देता हूँ, बताइए इसका आंसर बताइएगा सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फोर बार मैकेनिज्म? फोर बार मैकेनिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है बेटा। फोर बार मैकेनिज्म के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। यस यस यस, चलिए वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो फोर बार मैकेनिज्म यानी सभी स्लाइडिंग पेयर, ये तो गलत है, सभी टर्निंग पेयर होते हैं, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसकी जो पीडीएफ है ना बेटा आपका, इसकी जो पीडीएफ है आपको आपके टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव की अगर हम बात करें, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, पढ़िए क्वेश्चन नंबर फाइव को, और अब मैं आपको 30 सेकेंड्स भी देता हूँ। ये सही है यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको 30 सेकेंड्स अपने हिसाब से टाइम में यहाँ पर आपको दे सकता हूँ। जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम चाहिए वहाँ पर मैं आपको 1 मिनट भी दे सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन में आपको 30 सेकेंड्स चाहिए तो मैं आपको वहाँ पर 30 सेकेंड्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर फ्रॉम द अनस्टेबल टू द स्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल टू द स्टेबल कंडीशन। तो ध्यान से आंसर दीजिएगा इसका, अनस्टेबल टू द स्टेबल कंडीशन। कौन सा ऐसा मेथड है जो हम चूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल आसान है सर, स्प्रिंग की स्टिफनेस को इंक्रीज कर दिया जाए, स्प्रिंग की स्टिफनेस को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। जब हम स्प्रिंग की स्टिफनेस को इंक्रीज करेंगे सो इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम द स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल टू द स्टेबल। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए असाइनमेंट देता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बेटा स्किप कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और कमेंट सेक्शन में बेटा, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा बियॉन्ड टाइम वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे मधुर मधुर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व नहीं करना होता एग्जामिनेशन में। हाँ, अगर आपके पास लास्ट में समय बहुत बचता है जो कि इम्पॉसिबल है बचना, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। तो सर अगर आप क्वेश्चन नंबर सेवन की बात कर रहे हो तो सेवन में टाइम तो दीजिए, ये लीजिए टाइम, 30 सेकेंड्स अब आपके सामने आने वाले हैं।
बिल्कुल लीजिए 30 सेकेंड, है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बुल इंजन? बेटा इट इज एन इन्वर्जन ऑफ, इट इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। तो ये सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा लिंक फिक्स करके हमें बुल इंजन मिलता है? तो यहां पर देखिए कौन सा लिंक फिक्स करके, यस बेटा सिलेंडर को फिक्स करके, सिलेंडर को फिक्स करके हमें क्या मिलता है? बुल इंजन मिलता है। बात आ रही है समझ में? सिलेंडर को फिक्स करके हमें क्या मिलता है? बुल इंजन मिलता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने आने वाला है। और चलिए टाइम, जैसा कि हमने कह रखा है कि आपको टाइम देना है, तो दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम, ये आपके सामने टाइम आ चुका है 30 सेकेंड्स का, दिस इज द टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट अबाउट द इन्वर्जन ऑफ ए मैकेनिज्म? किसी मैकेनिज्म के इन्वर्जन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए जरा। इन्वर्जन होता क्या है? अरे सर मैकेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करके ही तो हमें इन्वर्जन मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करके ही तो इन्वर्जन मिलता है। अरे सर आपने तो आंसर ही बता दिया बातों ही बातों में, आंसर ही बता दिया बातों ही बातों में। अरे ऐसा ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। डिफरेंट डिफरेंट लिंक को फिक्स करके जो आपको मिलता है वो होता है बेटा आपका इन्वर्जन। चलिए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मतलब तीन तो करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा। तो आप अगर स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ना तो भी आपको आंसर मिल जाएगा अबाउट द ड्राई क्लच एंड द वेट क्लच, ड्राई क्लच एंड द वेट क्लच। तो हीट डिसिपेशन इज मोर डिफिकल्ट इन ड्राई क्लच, यस दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वेट क्लच। रेट ऑफ वियर इज वेरी लेस इन वेट क्लच, यस एज कंपेयर टू द ड्राई क्लच। टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी ऑफ ड्राई क्लच इज लेस, ये तो गलत हो गया भैया, ये तो गलत हो गया। तो ये पूछ ही गलत रहा है, ये तो पूछ ही गलत रहा है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ड्राई क्लच। ड्राई क्लच से पावर ट्रांसमिटिंग जो होती है वो एज कंपेयर टू द वेट क्लच वो ज्यादा होती है। इसमें तो इसने कहा कम होती है, तो दैट इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। 10 का आंसर दीजिएगा आप मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज आर यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ओके ऑफ टॉर्क क्वांटिटीज इन कौन क्लच, इन कौन क्लच, है ना। तो यहां पर इसने पुराना क्लच नया क्लच कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हम यहां पर क्या एज्यूम करेंगे? हम यहां पर एज्यूम करेंगे न्यू क्लच, ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम क्या एज्यूम करेंगे? न्यू क्लच। तो न्यू क्लच के लिए कौन सी थ्योरी हम यूज में लेते हैं कोई बता सकता है? किसी का नाम नहीं ले सकता बेटा आज मैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन में नाम लिख सकता हूँ, नाम ले नहीं सकता, ठीक है, मैं नाम लिख सकता हूँ, नाम ले नहीं सकता। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी विल बी यूज, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी विल बी यूज। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ऐसे करते करते ही हम 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टू द व्हील्स डजंट कम अंडर द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग कौन से टूथ व्हील है जो क्लासिफिकेशन में नहीं आते हैं? बिल्कुल जो क्वेश्चन में लिख रखा है वो हिंदी तो समझा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो एक्सटर्नल गियरिंग आती है, इंटरनल गियरिंग आती है, रैक एंड पिनियन आते हैं, पैरेलल गियरिंग, ये क्या होता है भाई? पैरेलल गियरिंग नहीं आता है क्लासिफिकेशन में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पैरेलल गियरिंग नहीं आता है क्लासिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए हो जाएगा, वैसे तो ये हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन, है ना। विशाल सेना को कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए चलिए बेटा, यस तो दिवाली बना रहे होंगे आज तो कुछ मित्र, है ना, और कुछ मित्र पढ़ रहे हैं,
कुछ दिवाली बनाते बनाते पटाखे फोड़ते फोड़ते ही लेक्चर देख रहे हैं। तो द प्रोफाइल ऑफ द गियर इज इन्वोल्यूट विथ 200। इफ द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द अप्रोच एंड लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ रिसेस इज 28 एंड 25 mm, तो देखिए तो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट कितना हो जाएगा सर? पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा 28 प्लस 25 mm, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा अराउंड 53 mm। ये पूछ रहा है आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट, तो आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा? पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट है 53 डिवाइड बाय ये 20 डिग्री है बेटा, वही मैं कह रहा हूँ ये 200 क्या है भाई, ये डिवाइड बाय क्या आएगा 0. ओके 94 डिवाइड बाय 0.94, तो ये 53 से ज़्यादा होगा है ना, ये 56.4 आएगा मेरे हिसाब से। आप एक बार चेक कीजिएगा, इनटू अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 23 पॉइंट कुछ समथिंग, तो हाँ 56.4 आएगा। एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा और फिर हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ये इधर कैसे खिसक गया? नंबर 13, चलिए इसका आंसर बताइएगा। द गवर्नर विच इज इन विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव इज हाई फॉर द चेंज ऑफ स्पीड इज नोन एज। डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है मतलब थोड़ा सा स्पीड चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, थोड़ा सा स्पीड चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जरा? इट विल बी हाईली सेंसिटिव, इट विल बी हाईली सेंसिटिव, थोड़ा सा स्पीड चेंज होता ही खिसक गया, ऊपर चला गया नीचे आ गया, थोड़ा सा स्पीड चेंज होता ही ऊपर चला गया या नीचे आ गया, तो इट विल बी हाईली सेंसिटिव, विल बी हाईली सेंसिटिव। ओके द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विच इज कॉमन बिटवीन द पिच सर्कल्स इज नोन एज। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब दो गियर्स आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ओके जो कॉमन होता है उसका नाम क्या है बेटा? ये बता रहा है पिच सर्कल्स का, पिच सर्कल्स का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक है, उसका नाम क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है बेटा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, क्वेश्चन में लिखा है पिच सर्कल, क्वेश्चन में लिखा है पिच सर्कल, तो आंसर भी ऐसा देखिए जिसमें क्या हो पिच हो, जिसमें क्या लिखा हो पिच लिखा हो, तो पिच पॉइंट, पिच पॉइंट तो कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों टीथ्स का, वो आपके पिच सर्कल्स पर वो होता है पिच पॉइंट, दैट इज द पिच पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आइएगा, ये भी मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ बेटा, क्या देता हूँ असाइनमेंट, तो मैंने दो असाइनमेंट आपको दिए हैं, आज मैं आपको 5 असाइनमेंट दूंगा इन 100 क्वेश्चंस में से, और आप सभी को क्या करना है, आप सभी को प्रॉमिस है ठीक है, दिवाली के पटाखे बजा रहे हो मुझे मालूम है, लेकिन आप क्या करना, आप सभी लोग इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद, इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप उन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपके लिए बहुत जल्द ही RSMSSB के क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ ठीक है, जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ मैं आपके लिए UPSC AN की सीरीज लेके आने वाला हूँ ठीक है, हमारी पूरी टीम, हम कोशिश करेंगे कि हमारी पूरी टीम इस सीरीज में भागीदार हो ठीक है। अभी मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ अभी आपको, अभी मैं आपको RSMSSB का PYQ करवा सकता हूँ ठीक है, उसका एक PYQ करवाऊंगा मैं आपको, और UPSC AN का भी मैं आपको एक PYQ करवाऊंगा, इसकी जो सीरीज है बेटा उसके लाने की हम प्लानिंग करेंगे, एंड आई होप इट विल बी ए दिवाली गिफ्ट फॉर यू, ये आपके लिए दिवाली गिफ्ट की तरह काम करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द फ्रिक्शन, ये क्या ले लिया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो भैया बहुत खतरनाक चीज होती है, कभी कभी फ्रिक्शन चाहिए, कभी कभी फ्रिक्शन नहीं भी चाहिए, तो द फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द हीट, बिल्कुल सही कहा है, तो इनकरेक्ट तो है नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा है। इट लीड्स टू डिक्रीज इन द वेलोसिटी, यस सही कहा है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द वेलोसिटी, ये गलत कहा है, और जो गलत कहा है वही तो पूछ रहा है, जो गलत कहा है वही तो पूछ रहा है, और जो गलत कहा है वही पूछ रहा है, वही हमारा आंसर है, वही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए,
ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे 10 सेकंड भी देने का मन नहीं कर रहा है वैसे। ऑप्शन देख के करो बेटा, ऑप्शन देख के करके बता दो, ऑप्शन देख के करके बता दो, क्वेश्चन मत पढ़ना इसमें, क्वेश्चन तो पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्शन देख के कर लो, क्वेश्चन पढ़ोगे तो गड़बड़ होगी, वो तो डेफिनेटली होगी ही होगी। ये क्या हो जाएगा बेटा, टेन इनवर्स म्यू, म्यू है ना, टेन इनवर्स म्यू, टेन इनवर्स म्यू। चलिए तो यहां तक आपके थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चन दबा के आए हुए हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन, या हम इसको फ्रिक्शन को भी थ्योरी ऑफ मशीन में कंसिडर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब आपके सोम के क्वेश्चन आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ सोम, ये सोम के क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन आपका सोम का आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर दीजिएगा। प्लीज गिव टाइम वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको टाइम देना ही देना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन को आपको दो बार पढ़ना पड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो अब तो नाचो भैया, करेक्ट का पूछा है, इनकरेक्ट में लफड़ा रहता है। करेक्ट फॉर द मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, तो मॉडुलस आएगा तो पर यूनिट वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, अगर मॉडुलस आ रहा है तो पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा। तो देखिए ये क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ प्रूफ रेजिलियंस, ये यूनिट एरिया कहां से आ गया, प्रूफ रेजिलियंस एंड द यूनिट वॉल्यूम, प्रूफ रेजिलियंस एंड द यूनिट वॉल्यूम। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, है ना। तो सही सिंपल सा क्वेश्चन था कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है, इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ टफनेस क्या होता है, इट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू द फ्रैक्चर लिमिट पर यूनिट वॉल्यूम, मॉडुलस में हमेशा पर यूनिट वॉल्यूम आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं बच्चे न्यूमेरिकल से इतना क्यों घबराते हैं। मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, जिसमें आप 101% कन्फर्म होते हो कि भैया हमारा ये क्वेश्चन तो सही होगा ही होगा, है ना। तो आपको दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ जो रिजिडिटी है वो है हमारा 80, और हमारा जो पॉइजन रेशियो है सर वो है हमारा 0.25, ठीक है। और अब आपसे पूछ रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, सो इज इक्वल्स टू 2g, ओके 1 प्लस म्यू, सो इट विल बी 2 इंटू 80, ओके 1 प्लस 0.25, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की कैसे लग रही है क्लासेस आपको बताइएगा जरा, थर्मोडायनेमिक की क्लासेस कैसी लग रही हैं। 200 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, वेरी गुड बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर अब हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैलिडेशन ऑफ हुक्स लॉ इन ए सिंपल टेंशन टेस्ट। तो हुक्स लॉ के बारे में पूछा गया है कि सिंपल टेंशन टेस्ट में ये इसका जो वैलिडेशन होगा वो कहाँ तक होगा, बताइए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैलिडेशन ऑफ हुक्स लॉ इन ए सिंपल टेंशन टेस्ट, इन ए सिंपल टेंशन टेस्ट। चलिए क्या आंसर होगा इसका, सर इसका आंसर होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनिटी। आपका जो हुक्स लॉ वैलिड होता है वो होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनिटी के। अगर क्वेश्चन में लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनिटी ना गिवन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा। इफ इन द क्वेश्चन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनिटी इज नॉट गिवन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनिटी इज नॉट गिवन, है ना, तब आंसर क्या रहेगा बताइए जरा। चलिए एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब आपके सामने शो हो रहा है, ए स्टील रोड विद डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड इज 2 मीटर लॉन्ग एक्सपीरियंस हीटिंग फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू द 150 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। द कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज एल्फा इज गिवन 12 × 10⁻⁶, इफ द रोड हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड, अगर रोड रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती तो थर्मल एक्सपेंशन जीरो होता इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। थर्मल स्ट्रेस डेवलप इज 288 MPa, वॉट इज द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, तो भैया बहुत आसान है, 288 MPa इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एल्फा टी होगा ना, एल्फा टी ई, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू द थर्मल स्ट्रेस, तो 288, वन सेकेंड बेटा एक मिनट, 288 इज इक्वल्स टू एल्फा कितना है, 12 × 10⁻⁶ इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है सर, चेंज इन टेम्परेचर है 120 इंटू ई हमें निकालना है,
देखिए 12 × 12 कितना होगा सर, 144 होगा, और ये 144 वन जा वन और ये हो जाएगा 2, तो क्या इसका आंसर 200 नहीं आएगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना बेटा, क्या इसका आंसर 200 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, 200 विल बी द राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए 22 क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। और मुझे ये भी बताओ भैया, ये जो हम सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चन सीरीज PYQ की, ईयर वाइज सीरीज है ना, ईयर वाइज सीरीज, आई थिंक इट इज अ यूनिक वन। तो इसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ऐसे से जेई के, जितने भी आपके PYQs आए हैं ईयर वाइज करेंगे बेटा, सब्जेक्ट वाइज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट एक्सपर्ट डील करेंगे, ईयर वाइज क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे। चूज द करेक्ट इनकरेक्ट कंडीशन, अरे बाबा इनकरेक्ट पूछा है, मैंने भी उसको करेक्ट पढ़ लिया था, इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कंडीशन फॉर द थर्मल स्ट्रेसेस इन अ बॉडी, इट इज द फंक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर राइज टी, इट इज द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, तो अल्फा टी ई तो होता ही है, इनकरेक्ट पूछा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का इससे क्या रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, तो डी विल बी द राइट आंसर विच इज द इनकरेक्ट कंडीशन फॉर द थर्मल स्ट्रेस इन ए बॉडी। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है सर? थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है अल्फा ई ई, जो फॉर्मूला में होंगे उन्हीं पर तो डिपेंड करेगा, जो फॉर्मूला में नहीं होंगे उन पर कैसे डिपेंड करेगा, जो फॉर्मूला में होंगे उन्हीं पर डिपेंड करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 पर आइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस यस यस, द फॉर्मूला ऑफ यूलर्स बकलिंग लोड इज गिवन, अरे बाप रे, तो एल ई की जगह बेटा दे रखा है 4L2, एल ई के स्क्वायर की जगह दे रखा है सर 4L2, तो एल ई का वैल्यू क्या होगा सर, एल ई का वैल्यू होगा 2 times of L, एल ई का वैल्यू होगा 2 times of L, तो किस में किस कंडीशन में आपकी इक्विवेलेंट जो लेंथ है वो 2 times of L होती है, बताइए जरा किस कंडीशन में होता है ऐसे। जब आपका देखो बूथ एंड हिंज होगा तो एल ई बराबर आपका एल होगा, बूथ एंड फिक्स्ड होगा तो एल ई बराबर एल बाई टू होगा, वन एंड फिक्स एंड अदर इज हिंज तो एल ई बराबर हो जाएगा एल बाई अंडर रूट टू, और जब आपका वन एंड फिक्स्ड हो तो एल ई बराबर 12 होता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, बताइएगा, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है कि बी और सी के बीच में, ठीक है, आपके इलास्टिक कर्व की शेप क्या होगी, और आई थिंक ये हमने जब सोम का क्वेश्चन डील किया था उस टाइम इस क्वेश्चन को हमने लिया था, और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था है ना, जो हमने मॉक टेस्ट लिया था उसमें भी ये आया था, और जो हमने सोम के क्वेश्चन सीरीज की थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था आपसे, इसमें पूछा जा रहा है बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में आपका क्या होगा, ये सर्कुलर होगा, क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका R का वैल्यू होगा वो होगा कांस्टेंट, जब R का वैल्यू कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो वो क्या बनेगा, वो सर्कुलर बनेगा, कैसा बनेगा, वो सर्कुलर बनेगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो याद रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको अगर डेरिवेशन करना है तो वो डेरिवेशन से करेंगे, बात आ रही है समझ में, जिनको डेरिवेशन से करना है वो डेरिवेशन से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए टाइम दे देता हूं मैं आपको 30 सेकंड्स का, 30 सेकंड्स का मैं टाइम दे देता हूं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए बेटा। चलिए 30 सेकंड्स ओवर होने वाले हैं, ओके नाउ द इलोंगेशन इन स्टील बार हैविंग ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमेंशन 40 mm × 40 mm, तो इलोंगेशन आपको निकालना है इज 2.5 mm, सो अच्छा इलोंगेशन इज गिवन, सो डेल्टा एल इज गिवन, डेल्टा एल इज 2.5 mm एंड एरिया ऑफ बार इज गिवन, दैट इज 40 × 40, ठीक है, आपको E का वैल्यू गिवन है सर, E का वैल्यू कितना गिवन है 250
गीगा पास्कल, और आपसे लेंथ दे रखी है क्या इसमें? लेंथ दे रखी है बेटा इसमें 4 मीटर। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल बाय ए ई, पी एल बाय ए ई। तो हमें पी निकालना है ना, तो पी बराबर डेल्टा एल इंटू ए इंटू ई डिवाइड बाय एल। तो पी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा कितना है आपका, 2.5, डिवाइड बाय एल कितना है, 4 मीटर है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ए कितना है आपका 40 × 40, इंटू ई कितना है आपका 250। तो ये भी अपने किस में है, गीगा पास्कल में है, तो इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1000 से 1000 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस पॉइंट से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो 25 × 4 ये कितना आएगा, 100, और ये 250 हो जाएगा बेटा आपका, है ना, 250 हो जाएगा अगर हम इसको देखें तो किलो न्यूटन में। तो 250 विल बी द राइट आंसर, 250 विल बी द राइट आंसर, है ना। 1000 और आएगा नीचे, 1000 और आएगा नीचे, 40 कहाँ पर 1000 आएगा, ये 2p आएगा आपका, 250 × 10⁻³ न्यूटन। तो किलो न्यूटन में पूछा है ना, पी इक्वल्स टू 250 किलो न्यूटन, पी इज इक्वल्स टू 250 किलो न्यूटन, है ना। चलिए वेरी गुड, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। अगर आपका कोई मेटेरियल रिजिड है तो उसका जो आपका पॉइजन रेशियो होगा वो क्या होगा, बताइए जरा, उसका पॉइजन रेशियो क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आई शुड नॉट गिव यू टाइम। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, 30 सेकेंड्स है आपके पास। ऐसा मटेरियल जो कि रिजिड हो, ऐसा मटेरियल जो कि रिजिड हो, तो भैया उसका जो आपका पॉइजन रेशियो होगा वो क्या होगा, 0। उसका पॉइजन रेशियो होगा 0, क्या होगा, 0। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। चलिए बताइए, इसमें आपसे पूछा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, करेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कौन सा हो, ओवरहैंगिंग बीम है बेटा इसमें। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ फॉर्मूला डेरिवेशन करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ओवरहैंगिंग बीम नजर आ रही है आपको, यहाँ पर इस पोर्शन में ओवरहैंगिंग है ना। तो अगर इस पोर्शन में ओवरहैंगिंग है तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपल सा है, डायग्राम देख के, ऑप्शन देख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन देख के, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए 27 हो गया, चलो 28 पर आइए, 28 पर आइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सीरीज में है बार आपकी, तो अगर बार सीरीज में है तो टॉर्क सेम रहेगा, और जो आपका डिफ्लेक्शन आएगा वो दोनों का डिफ्लेक्शन जोड़ के आएगा। तो डिफ्लेक्शन आएगा, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा फॉर द टॉर्क टी, ये एल सा लिखा हुआ है, फॉर द टॉर्क टी, तो वो क्या आएगा, बिल्कुल दोनों को जोड़ोगे तब आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा थोड़ा, सॉरी डिफ्लेक्शन नहीं, इसमें तो ट्विस्ट होता है, तब आपको ट्विस्ट मिलेगा। तो थीटा क्या होगा सर, थीटा होगा सर हमारा θ1 + θ2, और टॉर्क दोनों में क्या है बेटा, सेम है। तो थीटा क्या होगा, देखिए थीटा होगा सर हमारा टी एल बाई जी जे, तो g1 j1 L1 + t L2 बाय g2 j2 g2 j2। बस हमें यहाँ पर वैल्यू ही तो पुट करनी है, हमें यहाँ पर वैल्यू ही तो पुट करनी है। देखिए दोनों का मटेरियल सेम है, तो टी बाय जी, पहले का लेंथ कितना है सर, पहले का लेंथ है एल, और इसका जे का मतलब क्या है सर, पाई बाय 32, वन सेकेंड बेटा, पाई बाय 32 इंटू 2d⁴ प्लस दूसरे की लेंथ है 2l डिवाइड बाय, यहाँ क्या होगा, पाई बाय 32 इंटू d⁴, है ना। थोड़ा हाइड हो जाता हूँ मैं, देखिए थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू आएगा ओके 32
डिवाइड बाय पाई जी, इन ब्रैकेट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये आएगा एल डिवाइड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4, 4 4 जो 16, 16 इंटू डी रेज टू द पावर 4, प्लस यहाँ क्या होगा 2L डिवाइड बाय डी रेज टू द पावर 4। अब देखिए जरा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 32T डिवाइड बाय पाई जी डी रेज टू द पावर 4, एल भी हम बाहर ले सकते हैं, अंदर बचेगा 1 डिवाइड बाय 16 प्लस 2, तो 16 2 जो 32, 32 प्लस 1 33, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा विल बी इक्वल्स टू 32TL डिवाइड बाय पाई जी डी रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 33 डिवाइड बाय 16, तो 16 1 जो 16, 16 2 जो 32, 2 इंटू 33 66, तो ऊपर की तरफ 66 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए वेरी गुड बेटा, एक्सेलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। चलो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। ए क्रॉस सेक्शनल बार ऑफ एरिया 700 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड एज शोन इन द फिगर बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन द सेक्शन क्यू आर। ये क्यू आर सेक्शन में आपसे स्ट्रेस पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, क्यू आर सेक्शन में स्ट्रेस पूछ रहा है, हमें पता भी तो होना चाहिए ना क्यू आर में लोड कितना लग रहा है। देखिए क्यू आर में एक तो लोड लग रहा है बेटा इस तरफ 63 न्यूटन, और एक लोड लग रहा है बेटा इस तरफ जो कि है 35 न्यूटन, तो हमें रिजल्टेड निकालना पड़ेगा कि क्यू आर सेक्शन में कितना लोड लग रहा है। तो क्यू आर सेक्शन में अगर हम क्यू के राइट साइड में लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ लग रहा है सर 63 किलो न्यूटन और यहाँ लग रहा है सर 35 किलो न्यूटन, है ना, 63 और 35, तो माइनस करके देखिए 63 माइनस 35, तो 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 3 गया 2, तो 28 किलो न्यूटन आपके क्यू आर सेक्शन में लग रहा है, 28 किलो न्यूटन क्यू आर सेक्शन में लग रहा है, और 7 आ रहा है तो 20, तो ये 40 आंसर हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा, है ना, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी, स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू 28 किलो न्यूटन डिवाइड बाय 400 mm का स्क्वायर, ये मेगा पास्कल में पूछ रहा है, तो इसको हमें 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 700 है बेटा, 400 नहीं है 700 है, ये हो जाएगा 4 4 × 10 कितना हो जाएगा 40 40 मेगा पास्कल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इक्वेशन, हमें एक करेक्ट इक्वेशन चूज करनी है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बीच के रिलेशन की इक्वेशन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, सिंपल सा है बिल्कुल, ई इज इक्वल्स टू 3K1 माइनस 2 म्यू, ई इज इक्वल्स टू 3K1 माइनस म्यू, के इज इक्वल टू 3E1 माइनस 2 म्यू, के इज इक्वल्स टू 3E1 माइनस ऑफ म्यू, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके काफी रिलेशन है जो आपको याद रखने होते हैं, ई इज इक्वल टू, जैसे इसका तो आंसर नहीं बता रहा अभी मैं, आप बताइए इसका आंसर, E इज इक्वल्स टू 2G1 प्लस म्यू, एक इक्वेशन होगी, चलिए अब इसका बताता हूँ मैं, E इज इक्वल्स टू 3K1 माइनस 2 म्यू, एक होगा आपका E इज इक्वल्स टू 9KG/3K+G, तो E इज इक्वल्स टू 3K1 माइनस 2 म्यू, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अब पीवी डायग्राम में पूछ रहा है प्योर सब्सटेंस के रिगार्डिंग, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन इन सुपर हीटेड रीजन,
सुपर हीटेड रीजन में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसी होती है? पीवी डायग्राम में सुपर हीटेड रीजन में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कैसी होती है? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपसे काफी बार काफी एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है, काफी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेटा डाइवर्जिंग होती है। कैसी होती है? डाइवर्जिंग होती है। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लाइन, ठीक है, ऐसी लाइन पीवी डायग्राम में जिन पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता सुपर हीटेड रीजन में, तो दो टेम्परेचर लाइन आपस से दूर जाती हुई नजर आती है, ठीक है, दूर जाती हुई नजर आती है, तो ये सुपर हीटेड रीजन में डाइवर्जिंग नेचर की होती है। किस नेचर की? डाइवर्जिंग नेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच इक्वेशन क्लियरली डिफाइन द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होता है वो कितना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यू बाई टी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यू बाई टी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको बताना चाहता हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल क्यू ही हमारा डेल डब्ल्यू होता है, और ये होता है सर हमारा एम आर टी एल एन वी फाइनल डिवाइड बाय वी इनिशियल। ये थर्मोडाइनमिक्स में हमने पढ़ा है। ओके, तो अगर हम चेंज इन एंट्रोपी की बात करें, चेंज इन एंट्रोपी होगा सर हमारा डेल क्यू अपॉन में टी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, सो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको एम आर एल एन वी फाइनल डिवाइड बाय वी इनिशियल। तो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, एम आर एल एन वी फाइनल डिवाइड बाय वी इनिशियल। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एंट्रोपी चेंज, अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अगर किसी ने इस क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यूरिंग ए प्रोसेस बिटवीन टू इक्विलिब्रियम स्टेट्स इज, अब देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, थर्मोडाइनेमिक्स का पहला लेक्चर याद कीजिए, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है सर? सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है यूनिवर्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हमेशा क्या होती है? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड्स टू ऑलवेज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी, चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये इक्वल टू जीरो कब होगा? नहीं 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 ये देखो एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे अरे ऑप्शन डी होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल्स टू जीरो कब होगा? जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। और अगर हम बात करें चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब आपका प्रोसेस इररिवर्सिबल हो। तो मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कैन नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू, सो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो दोनों कंडीशन हो सकती है इसमें, यहाँ पर कंडीशन डिटरमाइन नहीं है कि कौन सी कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। चलिए बेटा वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, इसका आंसर दीजिए। थर्टी फोर पर आइए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। वेरी गुड, चलिए ए कार्नोट हीट पंप इट इज यूज्ड टू मेंटेन, इसका कोई आंसर दे नहीं सकता बेटा वैसे। ए कार्नोट हीट पंप इज यूज्ड टू मेंटेन ए रूम एट 30 डिग्री सेल्सियस, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द रूम वाज 30 डिग्री सेल्सियस, इफ द पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द पंप इज 20 किलोवाट, देन व्हाट विल बी द हीट पंप्ड इनटू द रूम, हीट पंप्ड इनटू द रूम। ठीक है, तो यहां पर आपको एम्बियंट कंडीशन नहीं दे रखी है, तो विदाउट नोइंग द एम्बियंट कंडीशन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर एन इररिवर्सिबल प्रोसेस?
नेट एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, बताइए जरा। नेट एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम एडियाबेटिक का भी एग्जांपल लेते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ध्यान रखिएगा, आपके एडियाबेटिक प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल जब होगा तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा, आइसेंट्रोपिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, और इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में चेंज इन एंट्रोपी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में कभी भी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो सकती। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन बन सकता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकता है। 36 पे आइए, 36 का आंसर दीजिए। विच ऑफ द इंजन है स्पार्क प्लग यूज फॉर द इग्नाइटिंग द फ्यूल, एस आई इंजन, कौन सा इंजन होता है भाई? स्पार्क प्लग है तो स्पार्क इग्निशन, स्पार्क इग्निशन मतलब एस आई इंजन, स्पार्क इग्निशन मतलब एस आई इंजन। तो कौन सा इंजन स्पार्क इग्निशन होता है बताइए जरा? पेट्रोल इंजन इज ए स्पार्क इग्निशन इंजन, डीजल इंजन इज कंप्रेशन इग्निशन इंजन, स्टीम इंजन से कैसा क्वेश्चन बनता है? एक्सटर्नल कंबशन इंजन, और गैस इंजन से क्या क्वेश्चन बनता है? एयर इज यूज्ड एज ए वर्किंग फ्लूइड, एयर इज यूज्ड एज ए वर्किंग फ्लूइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपेंस टू द एफिशिएंसी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज लोवर्ड इन केस ऑफ द आईसी इंजन। जब मैं T1 को कम करूंगा तो आईस इंजन में एफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - 1/ कंप्रेशन रेशियो रेस टू द पावर गामा माइनस वन, रेस टू द पावर गामा माइनस वन। कंप्रेशन रेशियो अगर आपका होगा वो क्या होगा, देखो कंप्रेशन रेशियो रेस टू द पावर गामा माइनस वन वो होगा हमारा T2/T1। अगर मैं ये कम करता हूँ तो कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होता है, कंप्रेशन रेशियो के इंक्रीज होने से नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होती है, नेगेटिव वैल्यू के डिक्रीज होने से एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। लेकिन लेकिन बेटा हम कंप्रेशन रेशियो को इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं ऐसा इंजन में, क्योंकि वो नॉकिंग कर देगा। तो ऐसा इंजन में वी विल अवॉइड द इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो, दैट्स वाई एस आई इंजन में, दैट्स वाई एसआई इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है 16:12 वो कम से कम रखा जाता है, और सीआई इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है 16:22 उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो रखने से नॉकिंग टेंडेंसी डिक्रीज होती है। डुअल का कंप्रेशन रेशियो इनके बीच का होता है वो होता है हमारा 12:16, ओके, वो हाई स्पीड डीजल इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर ए प्रोसेस विच इज नॉन फ्लो, नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम है बेटा, नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, पर यहां पर वो तो लिख ही नहीं रखा, यहां पे तो वो लिख ही नहीं रखा कि डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, वो तो लिख ही नहीं रखा, यहां तो लिख रखा है कि डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, भैया डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, वहां पर लड़ने मत लग जाना कि यहाँ डेल्टा की जगह डी आएगा, ठीक है, पेशेंस बना के क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ जाना। वहां पे हमें ना नहीं बताना है कि ये गलती है वो गलती है, ठीक है, गलती आएगी तब हम करवा लेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टडी फ्लो सिस्टम, कौन सी इक्वेशन स्टडी फ्लो सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है बताइए जरा, कौन सी इक्वेशन है वो स्टडी फ्लो प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है, सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है।
देखिए यहाँ पर, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू नहीं है, तो ये इक्वेशन गलत हो गया। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू नहीं है, तो इक्वेशन गलत हो गया। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर डब्ल्यू है, सॉरी, यहाँ पर डब्ल्यू है, इन गलती क्या है बेटा? ओके, तो यहाँ पर एच नहीं है बेटा, एच टू नहीं है। यहाँ पर लॉसेस है, वर्क डन है, एच वन एच टू है, वी भी है, जेड भी है, क्यू डब्ल्यू भी है और लॉसेस भी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, है ना? चलो नेक्स्ट, पीटी डायग्राम। चलिए ये आपके लिए असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर टू, दिस इज द असाइनमेंट नंबर टू। इस असाइनमेंट का जो आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में देना है या नहीं देना, कमेंट सेक्शन में देना है या नहीं देना, ठीक है? चलिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन, साइकिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो सभी को साइकिल के डायग्राम बनाने आने चाहिए, सभी साइकिल के, जितने भी 8 स्टैंडर्ड साइकिल है सबको मैंने पावर प्लांट इंजीनियरिंग के सेशन में डील कर रखा है। यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल पर वो सेशन सभी देख सकते हैं। एटकिंसन साइकिल हो गया, एरिक्सन साइकिल हो गया, सारी रिवर्सिबल साइकिल्स को हमने डील किया 8 स्टैंडर्ड को। तो देखिए क्या है, डीजल, ऑन पीवी स्केल, डीजल ऑन पीवी स्केल। तो डीजल ऑन पीवी स्केल क्या होगा? ऑप्शन ए, तो ये भैया कंप्रेशन वर्क, ये आपका एक्सपेंशन वर्क, ये आपका हीट एडिशन इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये हीट इजेक्शन इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये आपका डुअल हो जाएगा। और ये आपका, अब मैं हाइड होकर बताता हूँ, ये आपका हो जाएगा हमारा एसआई का, एसआई का हो जाएगा, ये सीआई का है, ये सीआई साहब है अपने, और ये हमारे एसआई साहब है, ठीक है? ये हिसाब और ऐसा हिसाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, टाइम समय जो है वो है आपका 30 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। द वर्क डन बाय सिस्टम इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब डेल डब्ल्यू जो है वो दे रखा है 45 किलो जूल। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज बाय 15 किलो जूल, तो डी यू का वैल्यू है माइनस का 15 किलो जूल। और आपसे पूछा है कि डेल क्यू की वैल्यू क्या होगी, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो माइनस का 15 प्लस का 45, ये हो जाएगा 30 किलो जूल। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इज इट क्लियर? क्या ये चीज सबको क्लियर है, बताइए जरा? कोई भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक मतलब आइसेंट्रोपिक। बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास, ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड है, चलो 20 दे दिए, 10 सेकेंड है आपके पास। टीएस डायग्राम में आइसेंट्रोपिक लाइन कैसी होती है? ये तो कोई भी बच्चा बच्चा जानता है भाई, टीएस डायग्राम में आइसेंट्रोपिक लाइन कैसी होगी? तो ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये एंट्रोपी एक्सिस है, और अगर आइसेंट्रोपिक लाइन की बात करें तो ये है हमारी आइसेंट्रोपिक लाइन। ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो ये एक तरीके की वर्टिकल लाइन है बेटा, कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है, एक तरीके की वर्टिकल लाइन है। चलो, स्पेसिफिक एंथैल्पी, अरे बाप रे, सिंपल सा क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर से मतलब थर्मोडायनेमिक्स से कितने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, बताइए जरा ध्यान से। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक लगाए उस पर, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। याद कीजिए थर्मोडाइनमिक की क्लास, थर्मोडाइनमिक क्लास में हमने डील किया था कि स्पेसिफिक एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। विच प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसकी यूनिट क्या होगी? एंथैल्पी की यूनिट होती है किलो जूल
और स्पेसिफिक है तो केजी, तो किलो जूल पर केजी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जो आपका सही आंसर होगा वो आंसर होगा आपके ऑप्शन डी। इसका आंसर बताइए 45। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यू इज इक्वल्स टू 30 + 0.5 टाइम्स ऑफ टी किलो जूल। इफ द सिस्टम डज ए वर्क ऑफ 0.5 किलो जूल पर केल्विन, व्हाट इज द इंक्रीज इन द हीट इंटरेक्शन पर डिग्री टेम्परेचर। तो अभी पहले तो अपने डी यू अपॉन डी टी निकालते हैं, है ना, डी यू अपॉन डी टी। तो डी यू अपॉन डी टी क्या होगा, ये होगा हमारा 30 किलो जूल पर केल्विन। उसके बाद आपको दे रखा है सिस्टम डज द वर्क, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी हमें गिवन है, दैट इज 0.5, सॉरी 30 नहीं होगा, ये भी 0.5 ही होगा। वन सेकेंड, 30 वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 0.5 ही तो बचा, 0.5। नेट हीट इंटरेक्शन क्या होगा, तो डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो 0.5 + 0.5। ऐसा क्वेश्चन ई एस सी में भी आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। देखिए जरा, इतना हीट सप्लाई किया जाता है हीट इंजन को 727 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, इतना हीट इजेक्ट होता है, तो ये इंजन कैसा है। तो साइक्लिक अपने वो देख लेते हैं, क्लॉसेस सिंगुलैरिटी कि रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है, है ना। तो ये देखते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, ये कितना आता है चेक करें, चलिए चेक करते हैं। तो हीट सप्लाई कितना हो रहा है, 2500 डिवाइड बाय टेम्परेचर, इसमें 273 जोड़ो, तो ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1000, ये 1000 हो गया, ये हीट सप्लाइड हो गया। माइनस हीट इजेक्शन कितना है, 900, इस टेम्परेचर पर हो रहा है 223, तो 273 जोड़ दो, 3 और 3 6 और 2 और 7 9, 224, सो 496, 496। तो ये 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गए, तो 500 ही मान लो, 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो देंगे, ये 25 डिवाइड बाय 10 माइनस 9 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2, है ना। तो देखिए सॉल्व करते हैं, तो नीचे आ जाता है 10, 5 5 जो 25 माइनस 2 9 जो 18, तो ये बेटा पॉजिटिव आ गया। अरे बाप रे, ये तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी इज पॉजिटिव, अरे ये तो इम्पॉसिबल है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाय टी नेगेटिव होगा तभी पॉसिबल होगा, तो इम्पॉसिबल, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द सीओपी ऑफ ए हीट पंप व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सिंक इज डिक्रीजेस, बताइए इसका आंसर। देखिए हीट पंप का सीओपी हाई टेम्परेचर डिवाइड बाय हाई टेम्परेचर माइनस ऑफ लो टेम्परेचर, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में गिवन है व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीजेस, तो जब टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज होगा तो सीओपी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट पर आइए, दो कार्नोट इंजन है, ठीक है, इसमें तो टाइम की जरूरत नहीं है, टू कार्नोट इंजन है, CE1 CE2 सीरीज में कनेक्टेड है, कि एक हीट इजेक्ट करता है तो दूसरा एब्जॉर्ब कर लेता है एज ए इनपुट, इंटरमीडिएट टेम्परेचर आपको गिवन है, वो ज्योमेट्रिक मीन है भैया, इंटरमीडिएट टेम्परेचर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाइएस्ट टेम्परेचर और लोवेस्ट टेम्परेचर का ज्योमेट्रिक मीन है,
ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, ऐसा अगर होगा तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी, ज्योमेट्रिक मीन होगा तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। आया आनंद, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका आंसर दीजिए। विच टाइप ऑफ स्लोप डज कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन हैव इन द सुपर हीटेड रीजन इन मौलियर डायग्राम। तो HS डायग्राम में आपका सुपर हीटेड रीजन में कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप कैसा होता है? ऊपर जाती है, नीचे आती है, हॉरिजॉन्टल रहती है, वर्टिकल रहती है, ऊपर जाके नीचे आती है, कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन पूछ रहे हैं सुपर हीटेड रीजन में। हालांकि कर्व होती है तो पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव स्लोप होगा ये आपको बताना है ना, होती तो कर्व है, पॉजिटिव स्लोप होगा या नेगेटिव स्लोप होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, हिंट भी दे दिया, तो भैया होगा इसका पॉजिटिव स्लोप। क्या होगा इसका? पॉजिटिव स्लोप होगा। चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में ये हमने क्लास में डील किया है, सीपीसीवी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में बताना है आपको, द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन में सीवी, बताइए जरा। हाँ भैया, फायदा तो हो रहा है ना इस सीरीज से, सारे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसमें, मिक्स क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे तो इसमें मेरे हिसाब से अच्छा खासा फायदा होगा। चलो देखो बेटा, तो जो सी पी अपॉन सी वी होता है ये होता है सर हमारा गामा, ये होता है हमारा एन प्लस टू डिवाइड बाय एन, एन इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सी पी अपॉन में सी वी अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मिलेगा वन प्लस टू बाय एन, तो वन प्लस टू बाई एन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द एज हार्डनिंग, एज हार्डनिंग से कौन रिलेटेड है? तो भैया प्रोडक्शन जैसा सब्जेक्ट अब स्टार्ट हो गया, मेटेरियल साइंस का ये क्वेश्चन है, थर्मो हो गया बाय बाय, अब आ गया मेटेरियल साइंस, थर्मो हो गया बाय बाय, अब आ गया मेटेरियल साइंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यस यस, आने तो लगे हैं आंसर, रुझान तो आने लगे हैं, है ना, तो इसका क्या होगा? ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन क्या होगा? ड्यूरालुमिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, 52 पर, मोनल मेटल, इसका मैंने आपको याद करवाया था निक्कू, इसका मैंने आपको याद करवाया था निक्कू, निकल एंड कॉपर, ये तो सिंपल सीधा ही हो गया, निकल एंड कॉपर, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है बेटा, जो क्वेश्चन समझाने वाला होगा उसमें हम काफ़ी टाइम लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। तो मोनल मेटल निक्कू, याद रखना बेटा ये निक्कू, मैग्नेटिक एलोट्रॉप ऑफ आयरन, ठीक है, क्यूरी पॉइंट लाइन आती है आपकी, चलिए आंसर दीजिए इसका, और इसके नाम के आगे फेराइट लगा होता है, क्या लगा होता है? अल्फा फेराइट, अल्फा फेराइट, गामा ऑस्टेनाइट, अल्फा 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 आयरन इज ए मैग्नेटिक एलोट्रॉप ऑफ आयरन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है उसमें कुछ। रबर शीट की अगर हमें बॉन्डिंग करनी है मेटल के साथ, ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है? वेल्डिंग करोगे, चाहे इलेक्ट्रिक हीटिंग करोगे, इंडक्शन वेल्डिंग करोगे, कैसे करोगे भैया? रबर चिपकाना है मेटल से, मेटल से रबर चिपकाना है, मेटल से रबर चिपकाना है, बताइए जरा। तो मेटल से रबर चिपकाएंगे एडेसिव, एडेसिव बॉन्डिंग से, वेल्डिंग करेंगे तो रबर मेल्ट ही हो जाएगा ना, वेल्डिंग करेंगे तो रबर मेल्ट ही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्लेन एंड बट वेल्ड्स मे बी यूज्ड ऑन मटेरियल, प्लेन एंड बट वेल्ड्स मे बी यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली,
अप टू अप्रोक्सीमेटली, तभी अटेंडेंस लगा के रखिएगा अपने, तभी अटेंडेंस लगा के रखिएगा अपने, ध्यान रखिएगा। यस वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 25 mm थिक। चलिए इसका बताइए, ऑप्टिकल गेज मेट्रोलॉजी में यूज में लिया जाता है फॉर द सरफेस प्रोफाइल्स। ऑप्टिकल गेज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ऑप्टिकल गेज किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? बिल्कुल सिंपल सा है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है ना? अगर सेम एंगल के आपका जब लाइट इंटरफेस करेगी तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डबल हो जाता है, अगर अपोजिट एंगल के करती है, अपोजिट फेस के करती है तो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज। ये आप क्या करते हो, ये आप जनरल साइंस में भी पढ़ते हो, जनरल साइंस में भी पढ़ते हो। स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल्स, भैया ये तो हमने स्पेशल क्लास में भी डील किया। स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल्स, ये तो ऑप्शन देख के पता चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग सबसे स्ट्रॉन्ग जिसमें कोई भी मेटल रिमूव नहीं होता। हॉट रोलिंग भी फोर्जिंग है, कोल्ड रोलिंग भी फोर्जिंग है, एक्सट्रूशन भी फोर्जिंग है, तो भैया फोर्जिंग ही चूज करो ना, फोर्जिंग और क्यों चूज करें हैं? जब डैडी जी बैठे हैं तो बाकी को चूज करने की क्या जरूरत है, जब दादाजी बैठे हैं तो उनके बच्चों का नाम थोड़ी लेते हैं, बड़े बड़े जब बैठे होते हैं तो बड़ों का नाम लिया जाता है। 58 का बताइए, थर्मिट इज ए मिक्सचर ऑफ, वेल्डिंग से क्वेश्चन आ चुका है, अब ये क्वेश्चन वेल्डिंग से चल रहा है आपके। थर्मिट इज ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होता है थर्मिट इज ए मिक्सचर ऑफ, बताइए जरा। आनंद आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या सेशन में? थर्मिट, एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो 3:1, ये क्या लिख दिया भाई, 5 एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन द रेशियो, ये तो ये होगा भैया, ये 5 का रहने दो एक बार, 3:1 ऑप्शन ए, मुझे लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा यहाँ पे, 3:1 में होता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है जो कि एज ए फ्लैग की तरह काम करेगा, और थर्मिट मिक्सचर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए पहले टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, इससे इंक्रीज करते हैं पटाखे जला के, जब हम पटाखे जलाएंगे तो टेम्परेचर जो होगा 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा, उसके बाद आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टार्ट होगी जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट से आपका आयरन मेल्ट होगा और दोनों वर्कपीस के गैप के बीच में चला जाएगा। आपके रेलवे की जो लाइंस होती है उसकी जो रिपेयरिंग होती है, रेल्स की रिपेयरिंग, उनके लिए ये टेक्निक आपके यूज में ली जाती है। तो होल को इनलार्ज करने वाला जो प्रोसेस होता है भैया, वो तो होता है हमारा बोरिंग, बोरिंग होल को, पूरे होल को ही तो इनलार्ज करना है, विद सम डिस्टेंस नहीं लिख सका, अगर लिखा होता विद सम डिस्टेंस अप टू ए सम डिस्टेंस तो काउंटर बोरिंग हो जाता, ये बोरिंग लिख दिया। ठीक है, बोरिंग हो जाएगा। चलो कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइए जरा, कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सर भैया कैटरपिलर इज प्रेडोमिनेंट इन टंगस्टन कार्बाइड टूल्स, टंगस्टन कार्बाइड टूल्स में कैटरपिलर प्रेडोमिनेंट होता है। नेक्स्ट बताइए, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या मेजर करता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या मेजर करता है? सीवी मेजर करता है, चलो हिंट तो मैंने दे दिया, सीवी मेजर करता है, हिंट तो मैंने दे दिया, आंसर अब आपको देना है।
वॉर्म कैलोरीमीटर क्या मेजर करता है? इट विल मेजर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल की ये कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मेट्रिक सिस्टम में हीट की यूनिट क्या होती है? इसमें टाइम नहीं दूंगा भैया, मैं तो 5 में खुद गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैट्रिक सिस्टम में हीट की यूनिट क्या होती है बताइए जरा। मैट्रिक सिस्टम में हीट की यूनिट होती है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी होता है। चलिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप किसका एग्जांपल है? इसमें टाइमिंग, जिसमें टाइम देने वाली जरूरत नहीं है उसमें टाइम नहीं दूंगा मैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप किसका एग्जांपल है फटाफट बताओ, 5-10 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम, स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम, मास गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू मास कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम। सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस लॉ पर वर्क करता है? कौन सा ऐसा नियम बताता है कि कम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है, और अगर आप करना चाहते हैं तो यू हैव टू सप्लाई द वर्क इनपुट, और जिसमें हम वर्क इनपुट देते हैं वो रेफ्रिजरेटर होता है, ये कौन सा नियम है? फटाफट बताइए, हिंट भी दे दिया मैंने, हिंट भी दे दिया है भाई, हिंट और क्या चाहिए जीवन में, और क्या चाहिए, हिंट दे दिया और क्या चाहिए। सर सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एक क्लोसियस स्टेटमेंट है, तो आपका इंजन हो गया, आपका जो भी डिवाइस हो गया, वो सेकेंड लॉ पर ही काम करते हैं। फर्स्ट लॉ तो इम्पॉसिबल डिवाइस के लिए भी वैलिड होता है, फर्स्ट लॉ तो इम्पॉसिबल डिवाइस के लिए भी वैलिड होता है। लिक्विड्स है, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है भैया, इसमें किसी ने टाइम मांगा ना देख लेना, इसमें टाइम मत मांग लेना कोई। इसमें कोई भी टाइम नहीं मांगेगा, तो क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड की एक ही वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की, गैसेस की दो होती है, गैसेस की होती है सीपी और गैसेस की होती है सीवी। कौन सा प्रोसेस? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की भी स्पेसिफिक हीट होती है, तो गैसेस की स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है, जनरली गैसेस की स्पेसिफिक हीट दो ही होती है, सीपी एंड सीवी, दो लेके चलते अपने। ओके, ये वॉल्यूम नहीं है बेटा, ये वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पर किसी और यूनिट में आंसर दे रखा था वो मैंने हटा दिया, मैंने सही आंसर यहाँ पे टाइप करके खुद लिखा है, ठीक है। एसएससी में किसी और वे में आंसर पूछा गया था जिसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल था, यूनिट्स में काफी झोलमोल हो जाता, इसलिए वो मैंने हटा दिया। अब तो सही आंसर तो बता दो, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर बार, है ना, आर बार, आर, ये बार बार पर एक गाना भी है ना, बताइए जरा इसका आंसर बताओ। इसका आंसर होगा 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, पाई की वैल्यू होती है 314, तीनों को जोड़ दो 8 हो जाएगा, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। एक चीज भी आप ये ध्यान रख सकते हो कि किलो से किलो कट जाएगा, तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन भी इसकी यूनिट हो सकती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, 8.314 जूल पर किलो मोल केल्विन इसकी यूनिट हो सकती है, तो यूनिट का ख्याल रखिएगा, यूनिट कोई दूसरी यूनिट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पर आइए, कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, कौन सा बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, बताओ जरा। बताइए सभी, सोचिए हाँ, तो एंथ्रेसाइट जो आपका कोयला है सबसे बेस्ट क्वालिटी का है, सबसे ज्यादा इसमें कार्बन पाया जाता है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब देखिए, हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, सब कुछ जीरो, सब कुछ ही जीरो है भैया। तो भैया स्टेटमेंट्स पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगेगा, तब तक मैं आपको टाइम दे देता हूँ, स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगेगा, लीजिए पढ़िए स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट को पढ़िए। पढ़ लिया होगा ना। तो ए रिजिड वेसल कंटेनर कंटेनिंग अमोनिया, ओके इवोक्वेटेड, इवोक्वेटेड आ गया ना वैक्यूम, 1 kg ऑफ एयर फ्लोइंग फ्रॉम एटमोसफेयर इनटू प्रीवियसली इवोक्वेटेड बॉटल, 1 kg ऑफ गैस इन एन इंसुलेटेड सिलेंडर एक्सपेंडिंग एज अ पिस्टन, है ना। देखो वेल इंसुलेटेड, इसमें इंसुलेटेड का कोई जिक्र नहीं है, ओके तो 68 का आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए वेरी गुड, बॉटल इवोकेटेड नहीं लिख रखा इसमें, बॉटल इवोकेटेड नहीं लिख रखा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए 69 देखिए, 2 रिवर्सिबल हीट इंजन है, ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T2 और इनकी एफिशिएंसी सेम है, सेम एफिशिएंसी वाला भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। सेम एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आया था, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अभी तो आपके 2018 के 4 पेपर और बाकी है, ठीक है, 4 4 8 4 12 12 पेपर हुए थे 2018 में, तो उनके होने के बाद 2017 के अपने डील करेंगे, 2019 के भी करेंगे और 2020 का 2021 में होगा वो भी अपने डील कर लेंगे, ठीक है। ये जो पेपर में डील कर रहा हूँ ये SSC 2017 का है जो कि 2018 में हुआ था, 18 का जो 19 में हुआ, 19 का जो 20 में हुआ उसको भी हम डील करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ T1 एंड T3, स्क्वायर रूट ऑफ T1 एंड T3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एफिशिएंसी 75% है, रिवर्स किया जाता है तो रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल मतलब रेफ्रिजरेशन, रिवर्स कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेशन के लिए यूज में ली जाती है, और इस बार जो SSC का क्वेश्चन हुआ था उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा था कि वो रेफ्रिजरेटर है या फिर हीट पंप है, तो ये तो खुशी की बात है, ये तो खुशी की बात है। ये क्या हो जाएगा सर हमारा 100/75, ये हो जाएगा आपका COP ऑफ हीट पंप, है ना, तो 4/3। तो अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर की, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, 4/3 - 1, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, 1/3 मतलब 0.33, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा रिवर्स कार्नोट साइकिल का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जनरल सेक्शन कंसिडर्ड विद द हाइएस्ट एफिशिएंसी, सिविल का ऐसा क्वेश्चन है, फ्लूइड मशीनरी से रिलेटेड है, मैकेनिकल में चिपका दिया गया बिना सिलेबस को ध्यान रखते हुए, फिर भी हमें आंसर तो देना ही है, आंसर तो हमें देना ही है ना, आंसर नहीं दोगे तो कहाँ जाओगे, आंसर तो देना ही पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ट्रेपीजोइडल होगा ना, इसका आंसर क्या होगा, ट्रेपीजोइडल, आंसर क्या होगा, ट्रेपीजोइडल, वेरी गुड। चलिए 72 पे आइए, एनी फ्लूइड फ्लो, एनी लिक्विड फ्लो ओबेज द फॉलोइंग, करना जरूरी है भैया, इसको अगर नहीं करेगा तो फ्लूइड फ्लो इज इम्पॉसिबल, फ्लूइड फ्लो इज इम्पॉसिबल, इट हैज टू सेटिस्फाई विच इक्वेशन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा भाई, कैपिलरी एक्शन, बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, और ये महा रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये महा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये SSC में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए 73 पर आइए, ये भी थोड़ा हिल गया क्वेश्चन, तो सही जगह पर लाते हैं, फिर आंसर दीजिएगा आप। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी, एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब FM स्टार्ट हो गया बेटा, FM स्टार्ट हो गया, वेरी गुड, FM हैज बीन स्टार्टेड,
सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. सेम है ना, बायंस एंड रोटेशन का क्वेश्चन. अरे अरे, वेटेड पेरीमीटर, इसमें एसएससी ने गलती कर रखी थी, हमने यहाँ पर सुधार के आपको आंसर दिया है. बताइए क्या होगा. वेटेड पैरामीटर फॉर ए पाइप रनिंग फुल ऑफ द वाटर इज इक्वल्स टू, वेट इज द डायमीटर ऑफ द पाइप. तो कितनी परिधि गीली हो चुकी होगी पाइप, है ना, तो पाइप है तो पाई डी, पाइप है तो पाई डी. वेटेड पैरामीटर क्या हो जाएगा, पाई डी. कोई पाइप है उसमें पूरा वो फुल डेप्थ में फ्लो हो रहा है, पाइप फ्लो है, तो इतना पैरामीटर गीला होगा ना, तो वेटेड पैरामीटर, तो ये क्या हो जाएगा, पाई डी. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. चलो 75. मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन, मेटासेंट्रिक हाइट इसके बीच का डिस्टेंस होता है. ठीक है, सी जी सी जी सी जी ऑफ द बॉडी सही है, सेंट्रो प्रेशर नहीं, सेंट्रो बायंसी नहीं, मेटासेंटर यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इसमें तो ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना. सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन किसके, इसमें कुछ लोग ज्यादा दिमाग लगा लेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग लगा लेंगे. सरफेस टेंशन किसके कारण होता है बताइए जरा, कोहेशन के, एडेशन के, कोहेशन एंड एडेशन बूथ के, या ऑप्शन डी. बताइए क्या आंसर होगा इसका. बताइए बेटा. तो कोहेशन, एडेशन तो मामूली सा होता है बेटा, मामूली, है ना, सब्जी में नमक मामूली सा डलता है ना, वैसे ही एडिशन कम, बहुत कम होता है, मोस्टली कोहेशन के कारण ही होता है सरफेस टेंशन, कोहेशन के कारण ही होता है सरफेस टेंशन. ओके, नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इन लिक्विड, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन द लिक्विड ड्यू टू इट्स डेप्थ विल वेरी विद डेप्थ. बताइए जरा, बताइए इसका आंसर, ध्यान से पढ़ के बताइए, ध्यान से अगर किसी ने क्लास ली होगी वो इसका आंसर आराम से दे देगा. द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ए लिक्विड ड्यू टू इट्स डेप्थ विल वेरी विद डेप्थ, विल वेरी विद डेप्थ. बताइए मित्रों, पी इज इक्वल टू रो जी एच, एच इज डेप्थ, सो डायरेक्टली डायरेक्टली विल बी द राइट आंसर. चलो क्या बताओ, मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ सेलिंग शिप्स, सेलिंग शिप्स का मेटासेंट्रिक हाइट, सेलिंग शिप्स का मेटासेंट्रिक हाइट बताइए. मर्चेंट शिप, सेलिंग शिप, बैटल शिप, बोट, है ना, कितना होगा मेटासेंट्रिक हाइट, सिंपल सा क्वेश्चन है. 78 का ऑप्शन ए, 0.45 to 1.25 मीटर, है ना, 0.45 to 1.25 मीटर. 79. द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप कैन बी मेजर्ड विद, पाइप के थ्रू होने वाला डिस्चार्ज किस किस से मेजर किया जा सकता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन, जो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, हम कम टाइम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कम टाइम लगाएंगे. चलिए क्या क्या होगा, वेंचुरी भी है, सेंचुरी, ओरिफिस भी है, तो डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. क्या बताओ, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जब आप टर्बुलेंट फ्लो वगैरह पढ़ते हो, लेमिनार फ्लो वगैरह पढ़ते हो, बाउंड्री लेयर थ्योरी, उस टाइम पे ये आप हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड हाइड्रोडायनेमिकली रफ सरफेस पढ़ते हो, है ना. तो के इज द एवरेज हाइट ऑफ अनइवननेस, और आपका ये जो डेल्टा होता है, ये होता है आपका, अगर हम बात करें डेल्टा, डेल्टा होता है आपका वैल्यू ऑफ लेमिनार सब लेयर थिकनेस, थिकनेस लेमिनार सब लेयर थिकनेस. तो के बाय डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.25 से कम होनी चाहिए, के बाय डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए 0.25 से कम. चलो नेक्स्ट आइए, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. अरे बाप रे, ये इस बार भी आया था, इस बार न्यूमेरिकल था, इस बार न्यूमेरिकल था, इस बार एसएससी जेई में भी आया था, ठीक है, जो आपके अक्टूबर 2020 में पेपर हुआ है उसमें आया था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था. तो 16 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, अगर फ्रिक्शन फैक्टर पूछता है तो 64 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर,
फ्रिक्शन फैक्टर पूछेगा, अगर फैक्टर पूछेगा तो 64 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, और अगर हमारे कोफिशियंट पूछता है तो 16 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स। ये बताइए, ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, अगर किसी को याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, स्किप कर सकता है। बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा, 82 का आंसर बताइए। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन एरोप्लेन इन ए स्टडी लेवल फ्लाइट विल अकर एट एन एंगल ऑफ अटैक ऑफ 20.5 डिग्री। एक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, एसएससी ने ए आंसर दिया था इसका, आप ए याद रखिएगा। हाँ चलिए नेक्स्ट। द वेव प्रोड्यूस ड्यू टू द सर्फेस टेंशन इन ए शैलो चैनल इज नोन एज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए टाइम देता हूँ, काफ़ी देर हो गया, टाइम नहीं दे रहा आपको, बहुत फास्ट अपने चल रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इलास्टिक वेव नहीं कहते क्या, इलास्टिक वेव नहीं कहते क्या, कैपिलरी वेव तो होगा नहीं, ग्रेविटी वेव भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से इलास्टिक वेव कहते हैं, क्या कहते हैं, इलास्टिक वेव। चलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो पीडीएफ अगर आपको विशाल 11 टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। कौन सा एक्सेल फ्लो टर्बाइन है, इसमें कोई आंसर आपको वो नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा भैया, इसमें टाइम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं है, ये तो सीधा बोल रहा हूँ मैं, ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में क्या टाइम चाहिए भाई। कौन सा एक्सियल फ्लो टर्बाइन है, एल्टन व्हील टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल में भी कैसा है, इम्पल्स, और फ्रांसिस है रेडियल, और कापलान है आपका एक्सियल, तो एक्सियल फ्लो टर्बाइन होगा कापलान। चलिए यूनिट पावर किसके इक्वल होती है, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, चलिए अब विजिबल है, अब बता दीजिए आंसर क्या होगा, वन सेकेंड बेटा, गायब ही हो गया। एक मिनट रुकना बेटा, वो ज्यादा जूम कर दिया तो गायब हो गया। ना एक मिनट रुको, अब सही आ रहा है ना, अब सही है। चलिए अब छेड़खानी नहीं करेंगे भैया, गड़बड़ हो जाती है, तो मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर एच की पावर 5/2 है, यहाँ पर एच की पावर 1/2 है, यहाँ पर नीचे वाले में एच की पावर 3/2 है, और ये तो डी तो गलत ही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए 86 पर आइए, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड कैसा फ्लूइड होता है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड कैसा फ्लूइड होता है जिसकी डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज होती है विद द रेट ऑफ शीयर जब इंक्रीज होता है, है ना, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड आपको ऐसा नजर आता है, ऐसे, है ना, तो जिसका स्लोप डिक्रीज होता है, जिसका स्लोप डिक्रीज होता है जब आपका du/dy इंक्रीज हो, du/dy इंक्रीज हो, तो 86 का ए ए। चलिए 87 पे आइए, देखिए करेक्ट सीक्वेंस में हमें मैच करना है, तो थोड़ा सा मैं बेटा स्पीड इंक्रीज करूंगा। लुब्रिकेशन इज बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी राइज ऑफ सैप इन ट्रीज, मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनका खाना ऊपर तक पहुंचता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, और कैविटेशन से रिलेटेड है बेटा आपका वेपर प्रेशर, थ्री
1, 3, 1, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए 86 और 87 भी हो गए। 88 देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। लो इनिशियल कॉस्ट, कॉम्पैक्ट तो होते हैं बिल्कुल, लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लेस फ्लोर स्पेस, इजी हैंडलिंग ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड ऑल्सो, है ना। तो कौन से एडवांटेज है आपको ये बताने हैं, कौन से एडवांटेज है आपको ये बताने हैं, बताइए जरा। इनिशियल कॉस्ट, कॉम्पैक्ट, इजी हैंडलिंग ऑफ हाईली विस्कस फ्लूइड, बताइए जरा एडवांटेज क्या क्या होंगे इसके, एडवांटेज बताइए। एडवांटेज बताइए। इनिशियल कॉस्ट कम होती है क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की? रेसिप्रोकेटिंग की अगर हम कंपैरिजन करें तो एज कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल की कॉस्ट, रेसिप्रोकेटिंग पंप तो बहुत कम यूज में लिए जाते हैं, वो हाई प्रेशराइज के लिए, बुर्ज खलीफा के लिए यूज में लेते हैं अपने रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेंट्रीफ्यूगल के इस लो इनिशियल कॉस्ट पर मुझे थोड़ा सा शक सा हो रहा है। इनिशियल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम होती है, हाँ सस्ता होता है तभी तो अपने घर पे लाते हैं, नहीं तो बुर्ज खलीफा के लिए तो अपने वो लेके आएंगे रेसिप्रोकेटिंग। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ पॉइज? पॉइज क्या होता है आंसर बता दो, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या होता है 0.1 पास्कल सेकेंड, ये एक तरीके की बेटा सीजीएस यूनिट है। कैसी यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। तो ये क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकेंड, डाइन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर सेकेंड, मतलब वैसे यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड होती है। तो न्यूटन की जगह कौन आएगा, डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह कौन आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड की जगह कौन आएगा, सेकेंड, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ये बताइए, ओके, नेवियर स्टोक इक्वेशन को विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीनियराइज नेवियर स्टोक इक्वेशन टू मेक द अमेनेबल फॉर एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो नेवियर स्टोक इक्वेशन यूज में ली जाती है हमारे लेमिनार फ्लो के लिए, के लिए लेमिनार फ्लो के लिए। इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं पानी। चलिए बताइए आंसर इसका बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीनियरलाइज द नेवियर स्टोक इक्वेशन टू मेक इट अमेनेबल फॉर एनालिटिकल सॉल्यूशन? तो रेनॉल्ड्स नंबर कम होना चाहिए, है ना, रेनॉल्ड्स नंबर कम होना चाहिए। 91 पे आइए। चलिए इसका मैं टाइम देता हूँ आपको, इसका मैं टाइम देता हूँ मैं आपको, देखिएगा जरा। बस बस हो ही गया, टेंशन मत लो। विच वन इज द फॉलोइंग इज द एडवांटेजेस पोजेसेस बाय द कापलन टर्बाइन ओवर ए फ्रांसिस टर्बाइन? लो फ्रिक्शनल लॉसेस, पार्ट्रोड एफिशिएंसी कंसिडरेबली हाई, मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, मोर कॉम्पैक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, बताइए इसका क्या होगा। मुझे तो सभी लग रहे हैं, मुझे तो सब लग रहे हैं, है ना। तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बताइए, स्ट्रीम फंक्शन गिवन है टू डायमेंशनल में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट 1, -1? तो पहले तो वी निकाल लेते हैं, यू वी स्ट्रीम फंक्शन है ना साई, ठीक है। तो आपका जो वी होता है वो होता है हमारा सर डी साई अपॉन में डी एक्स। तो वी क्या आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करो 3x का स्क्वायर, तो वी एट 1, -1 ये कितना होगा, एक्स का स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा। यू अगर हम बात करें, ये होता है माइनस ऑफ डी साई अपॉन में डी वाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 3y2, तो 3 प्लस, ये क्या, ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम इसको तो फिर वैसे ही लिखो, 3y2, तो अगर मैं बात करता हूँ यू की वैल्यू 1, -1 पे, ये भी 3 हो जाएगा। और अगर हम आपसे पूछें
कि टोटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये भी हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 18, तो 4 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, 4.24 विल बी द राइट आंसर। ये बताइए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा बताइए जरा, व्हेन द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो विल अकर। बस बस हाँ 93 डी, क्या सभी डी बोल रहे हैं कि वेलोसिटी प्रेशर सब पॉइंट से पॉइंट पर चेंज हो तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। चलो 94, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ वेंचुरी मीटर इन कंपैरिजन टू द कन्वर्जेंट पोर्शन, डाइवर्जेंट पोर्शन की जो लेंथ है इन कंपैरिजन टू द कन्वर्जेंट पोर्शन क्या होती है, बनाया होगा ना आपने, बनाया होगा ना ऐसे कन्वर्जेंट पोर्शन देख लो अभी यहाँ पे और डाइवर्जेंट पोर्शन देख लो, दिन रात का अंतर है, दिन रात का अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, डाइवर्जेंट पोर्शन ज़्यादा होता है, कन्वर्जेंट पोर्शन की लेंथ कम होती है। 95, इन ऑर्डर दैट फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन ए पाइपलाइन, एक पाइपलाइन है जिसका डायमीटर सेम है, उसमें आपको फ्लो मेंटेन करवाना है, फ्लो को मेंटेन करवाना है, द डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन दिस प्रेशर मस्ट बी मोर देन, तो उसमें जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द फ्लो उसकी वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपका पाइप में होने वाला फ्लो मेंटेन हो। पहली चीज़ तो वो प्रेशर डिफरेंस आया क्यों, वो प्रेशर डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर था बेटा फ्रिक्शनल लॉसेस, तो फ्रिक्शनल लॉसेस को हमें ओवरकम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल लॉसेज को अपने ओवरकम करना पड़ेगा। 95 का आंसर दीजिए, क्या विस्कोसिटी को ओवरकम करना पड़ेगा, क्या सरफेस फ्रिक्शन को, अरे भैया यहाँ पर मेजरली जो होगा वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा जिसको ओवरकम करना पड़ेगा टू मेंटेन द फ्लो, टू मेंटेन द फ्लो। चलिए, हेड डेवलप्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप किस पर डिपेंड करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा जो हेड डेवलप होता है वो किस पर डिपेंड करता है, क्या इंपेलर डायमीटर पर करता है, बिल्कुल करता है, डायमीटर ज़्यादा होगा ज़्यादा वर्किंग फ्लूइड आएगा, स्पीड पर डिपेंड करता है, हाँ बिल्कुल सर स्पीड पर भी डिपेंड करता है, ज़्यादा स्पीड होगी ज़्यादा हेड डेवलप होगा, तो बोथ इंपेलर डायमीटर एंड स्पीड, तो ये वाला हमारा होगा आंसर ऑप्शन डी। लो स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन इंप्लाइज दैट, सबसे कम स्पेसिफिक स्पीड किसकी होती है, सबसे कम स्पेसिफिक स्पीड किसकी होती है, सर सबसे कम स्पेसिफिक स्पीड पेल्टन व्हील टर्बाइन की होती है, और पेल्टन व्हील टर्बाइन कैसा है, इंपल्स टर्बाइन है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए ये बताइए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से देख के बताओ, क्वेश्चन मत पढ़ना कोई, ये कर्व सी का पूछ रहा है, सी का पूछ रहा है, तो वेन एंगल ऑफ एग्जिट इज 90 डिग्री, नहीं लेस देन, नहीं मोर देन 90 डिग्री, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर 98, ठीक है सी विल बी द राइट आंसर। चलो 99, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टर्बाइन इज द स्पीड ऑफ टर्बाइन सच दैट इट विल प्रोड्यूस द यूनिट पावर, यूनिट पावर, हाँ तो भैया यूनिट पावर, यूनिट पावर, तो ये नीचे वाले तो गलत हो गए है ना, नीचे वाले तो गलत हो गए, ये गलत है, ये गलत है, डिस्चार्ज कहाँ से आ गया, हेड आएगा, डिस्चार्ज कहाँ से आएगा, डिस्चार्ज तो आपके पंप में जाएगा ना, डिस्चार्ज तो पंप में जाएगा, और डेवलप कैसे करेगा, वो तो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए, रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है बताइए, बताइए मित्रों बताइए, रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है,
रिएक्शन टरबाइन आपका एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं होता। तो यहाँ पर बेटा आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके PYQs के। इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बेटा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। आपके SSC के सब्सक्रिप्शन की फीस इंक्रीज होने वाली है। इफ़ यू आर नॉट ज्वाइंट येट, दिवाली के बाद अगर आप प्लान कर रहे हो ज्वाइन करने का तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इनसे आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेटा विशाल 11। और इसी के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सेशन को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, ओके। और ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है बेटा, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फॉलो करने के बाद आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। 20 नवंबर से मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे फेसबुक ग्रुप है बेटा, इनसे जुड़कर आप यहाँ पर अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारा अनअकैडमी SSC JEE का यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल है, जिनसे जुड़ेंगे तो आपको सारी क्लासेस की रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, तो वहाँ पर एक्टिव रहिएगा। और ये हमारे इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल है, जिनसे जुड़ के आप नॉलेज को अपने इन्हेंस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।